इस वक्त पहले ही से कई जगहों में मौजूद है, चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो जो चीन को बाकी दुनिया से ट्रेड के तौर पे जोड़े, या फिर हांगकांग में चलने वाले कंटिन्यूस प्रोटेस्ट या आंदोलनों पे हो, या जिंजियांग में जिस तरह के कदम चीन ने ले रखे हैं, जिंजियांग की पॉपुलेशन में आने वाले किसी भी तरह के रेबेलियन या किसी भी तरह के एहतजाज को रोकने के जिस तरीके से चीन ने ताकत लगा रखी है, उसके बाद सबको यही लग रहा था कि क्या चीन किसी भी और नई दिक्कत को हैंडल कर पाएगा या नहीं। तभी चीन के लिए एक नई दिक्कत सामने आ गई है और इसका नाम है कोरोना वायरस। ये यूं तो बहुत छोटी चीज है और जिसे आप अपने आंखों से भी देख नहीं सकते, लेकिन कोरोना वायरस ने चीन के नाक में बहुत बड़ा दम कर रखा है। सबसे पहली चीज समझना ये जरूरी है कि आखिर एक नई बीमारी आती कैसे है। तो हमें उसके लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि एक वायरस से लेके एक इंसान तक या हर वो जिंदा चीज जिसमें एक जान है उसके शरीर में या उसके शरीर को बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है तो डीएनए का होता है। तो इसी तरह के कुछ वायरसेस जो अलग अलग जगहों पर मौजूद होते हैं उन्हें भी बनाने के पीछे डीएनए या आरएनए का हाथ होता है, लेकिन इनके डीएनए और आरएनए में किसी भी तरह के बाहर के एनवायरनमेंट या किसी भी इंटरफेरेंस की वजह से अक्सर तब्दीली आती रहती है, जिसके कारण कई बार ऐसा होता है कि जो कीटाणु या जो परजीवी कुछ महीने पहले तक था बिल्कुल उसकी नई शक्ल लेके नया परजीवी सामने आ जाता है। इस तरह के वायरस और इस तरह की बैक्टीरिया को पहले कहीं नहीं देखा गया होता है, लेकिन फिर भी इनका लिंक पुराने या अपने पूर्वजों से जुड़ा हुआ मिलता है। कोरोना वायरस इसी तरह के एक फैमिली में से बिलोंग करता है जिसका लिंक जुड़ा हुआ है मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट में ये बीमारी अक्सर मिडिल ईस्ट सिंड्रोम के नाम से जानी जाती है, जिसके कई सिम्टम्स होते हैं जिसमें से सांस फूलना या ड्राई कफ होना या बुखार का आना इसकी निशानियों में से है। और इस बीमारी की वजह अक्सर मिडिल ईस्ट में रहने वाले ऊँटों को देखा गया है। उसी तरीके से कोरोना वायरस का चाइना में फैलने के पीछे इसका लिंक जोड़ा जा रहा है जानवरों से। चाइना का अपना ही इतिहास है किसी भी जानवर को लेकर, चाहे वो उनके रिचुअल्स में हो या उनके खाने के सामानों में हो या उनके आम तौर पर रहने वाले पेट्स हो। हर बार जब ये वायरस सामने आते हैं तो एक नया लुक लेके आते हैं। इनके लिए वो पुरानी दवाएं काम नहीं करती, जिसकी वजह से हर बार सरकार को और रिसर्च लैब्स पे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी रिसर्च दुनिया भर में चलती है। उस रिसर्च के बाद ही इन बीमारियों का इलाज निकाला जाता है। तो कोरोना वायरस आखिर चाइना में क्यों आया? कोरोना वायरस चाइना के वुहान शहर में पहली बार पाया गया और इसके पीछे की वजह बताई जा रही है वहां पे मौजूद एक मीट मार्केट, जिसमें अलग अलग तरह के जानवरों का मीट मिला करता है। यूं तो आमतौर पर उस मार्केट में सबसे अधिक मछली देखी जाती है, लेकिन उसके अलावा भी वहां पे कई ऐसे जानवरों का गोश्त बिकता है जिसे लोग आमतौर पर या अमूमन तौर पर दुनिया भर में नहीं खाना पसंद करते हैं। लेकिन आखिर कोरोना वायरस का वुहान में आने की वजह क्या थी और ये इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है? जिस वायरस से अभी तक 80 लोगों की मौत हुई है उसे इतना खतरनाक मानने की वजह सिर्फ ये है कि ये हवा या बिना छुए भी फैला जा सकता है। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो लोगों के बीच में आस पास बैठने से भी फैली जा सकती है। यही वजह है कि चाइना के सभी शहरों को पूरे तरीके से क्वारंटीन या बंद करने की कोशिश की जा रही है। इनके जितने भी सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे किसी नॉर्मल दस्त, जुकाम या सर्दी के हो। लोगों का गला सूखता है, लोगों को सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और हल्का हल्का बुखार आता है, लेकिन कई केसेस में जब ये बढ़ जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। चीन के हुबोई प्रांत में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 76 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। बीबीसी के मुताबिक पूरे चीन में कोरोना वायरस की वजह से अब तक कुल 80 लोगों की मौत हो चुकी है। करीबन 2,800 लोग संक्रमित हैं और 5,500 से ज्यादा लोगों के इस वायरस से संक्रमित होने का संदेह है और 30,000 से ज्यादा लोगों को निरीक्षण में रखा गया है। चीन से शुरू होकर 10 से अधिक देशों में फैल चुके कोरोना वायरस से चीन में मरने वालों की संख्या 80 हो गई है। चीन सरकार ने ये जानकारी दी। इसके साथ ही पूरे चीन में करीब 2300 लोग इससे प्रभावित हैं। वहीं अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी ने देश में 5 मरीजों में से इस खतरनाक वायरस के पाए जाने की पुष्टि की है। राजस्थान में भी इसका एक संदिग्ध मामला सामने आया है। बता दें कि चीन में इस वायरस से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। कई प्रमुख शहरों में लोगों के बाहर निकलने तक पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले अमेरिका में कोरोना वायरस का पहला मामला बीते बुधवार के सामने आया था।
अमेरिका के सिएटल में इसका पहला मामला आने की पुष्टि की थी। अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमित पहला व्यक्ति चीन के वुहान शहर से आया था। राजस्थान में कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मामला सामने आया है। राज्य स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने रविवार को यह जानकारी दी और बताया कि मरीज को अलग रखा गया है। उन्होंने कहा कि चीन में MBBS कोर्स पूरा करने के बाद भारत लौटे एक डॉक्टर को कोरोना वायरस से प्रभावित होने के संदेह में यहां SMS अस्पताल में रखा गया है। उन्होंने कहा कि मरीज के सभी परिजनों की स्क्रीनिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। एक आधिकारिक बयान में मंत्री ने कहा कि मरीज के रक्त का सैंपल पुणे स्थित नेशनल वायरोलॉजी लैब में भेजा गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्र के 4 जिलों के कुल 18 लोग चीन से भारत वापस लौटे हैं। संबंधित जिला प्रमुखों और स्वास्थ्य अधिकारियों को इनकी 24 घंटे निगरानी की निर्देश दिए गए हैं। चीन के कोरोना वायरस से भारत को डरने की कितनी जरूरत है? चीन में फैले कोरोना वायरस, जिसे वुहान वायरस भी कहा जा रहा है, को लेकर अब भारत में भी सतर्कता बरती जाने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली समेत मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची और कोलकाता हवाई अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। चीन और हांगकांग से लौटे यात्रियों की थर्मल जांच की जाएगी। यात्रियों को विमान में चढ़ने से पहले सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म भरना होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार देश के 7 हवाई अड्डों पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। मंत्रालयों का कहना है कि वे इन सभी हवाई अड्डों के संपर्क में हैं ताकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जा सके। इसके साथ ही इन सभी हवाई अड्डों पर घोषणा में भी वायरस को लेकर सूचना दी जा रही है। खतरा इसलिए भी अधिक बढ़ गया है क्योंकि ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी जा सकता है। कोरोना वायरस का बिहार में मामला, चीन से लौटी युवती PMCH में भर्ती। बिहार की राजधानी पटना में चीन से लौटी एक युवती को पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी PMCH में भर्ती कराया गया है। युवती बिहार के छपरा के रहने वाली थी और कुछ ही दिन पहले चीन से लौटी है। युवती का पहले छपरा के एक अस्पताल में ICU में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान स्थानीय डॉक्टरों ने पाया कि युवती की बीमारी के लक्षण कोरोना वायरस से मिलते जुलते हैं। इसके बाद डॉक्टरों ने युवती को पटना के PMCH में रेफर कर दिया है। युवती का PMCH में इलाज चल रहा है। PMCH में डॉक्टरों की एक टीम युवती का इलाज कर रही है। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि छपरा की एक लड़की जो हाल ही में चीन से लौटी है में कोरोना वायरस के समान लक्षण दिखने के बाद छपरा के एक अस्पताल में ICU में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब उसे पटना की PMCH में भर्ती कराया जाएगा। वहीं जयपुर में भी एक मामला सामने आया है। इसके पहले रविवार को जयपुर में भी कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज सामने आए थे। उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये युवक चीन में पढ़ाई कर रहा था। इस बीमारी के लक्षण मिलने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पिछले 14 दिनों में बेंगलुरु से चीन के वुहान शहर के यात्रा करने का कोई इतिहास नहीं है। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुल 390 यात्रियों ने कल से आज सुबह 8 बजे तक थर्मल स्कैनर की जांच की गई है। हिंदुस्तान और चाइना के लिए कोरोना वायरस इतना बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि वहां पे आबादी बहुत ज्यादा है और किसी भी बीमारी के लिए जो बिना छुए भी फैल सकती है या हवा के थ्रू भी फैल सकती है उसके लिए ये एक जैकपॉट या एक लॉटरी की तरह है। यानी जितने ज्यादा लोग इस बीमारी को फैलने का उतना ज्यादा मौका मिलेगा। यही वजह है कि चाइना से आने वाले सभी लोगों को एक बहुत कड़े परिश्रम या एक बहुत कड़े सिक्योरिटी के थ्रू गुजरना पड़ रहा है, जिन पे लगातार उनके थर्मल कैमरा और अलग अलग तरह के टेस्टों के द्वारा उन्हें गुजारा जा रहा है। चीन से आने वाले सभी लोगों को मॉनिटर किया जा रहा है और इस वक्त देश भर में जहां जहां भी लोगों को कोरोना वायरस के सिम्टम के नाम पे रखा गया है उन्हें क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और उनकी बीमारियों का लगातार इलाज खोजने की कोशिश की जा रही है। तो इन्हीं तरीके की कुछ रिपोर्टों को लेकर मैं आपके साथ यूं ही जुड़ता रहूंगा और आप भी कोरोना वायरस से सतर्कता बरतें और ध्यान दें इस चीज पे कि आप अपने हाथ पैर धो के जा रहे हैं और मास्क लगाना ना भूलें, क्योंकि इस बीमारी को फैलने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है।
इसलिए इस वक्त में एहतजाज बरतना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो इन्हीं तरह की कुछ रिपोर्टों के लेके मैं आपके साथ यहीं जुड़ता रहूंगा और आप देखते रहें पल पल न्यूज, क्योंकि हम अक्सर आपको वो खबरें दिखा रहे हैं जो शायद दुनिया दिखाना आपको जरूरी नहीं समझ रही। शुक्रिया।